पाउलो फ्रेरी। पाउलो फ्रेरी इन्फ्लुएंशियल रेडिकल एजुकेशनर्स थे, थियरिस्ट हैं जो कि 20th सेंचुरी में उनका काम बहुत ज़्यादा पीस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और क्रिटिकल लिटरेसी के लिए मशहूर है। 1921 में पैदा हुए रेसिफे ब्राज़ीलियन नॉर्थ ईस्ट में। फ्रेरी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारी। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे उनकी जो परवरिश हुई तो पावर्टी को उन्होंने बहुत करीब से देखा, बहुत ज़्यादा गुर्बत में रहे। तो इनके मुताबिक जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जितनी भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप वेल ऑफ हैं तो आप उनको अचीव कर सकते हैं, आप उनको ले सकते हैं। फ्रेरी के जो आइडिया है क्रिटिकल पैडागॉजी का, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रियलिटीज़ से। कि फ्रेरी की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशनरी ह्यूमैनिज्म होना चाहिए। इनके मुताबिक जो लीडर्स हैं वो नहीं है जो लोगों को लीड करते हैं, बल्कि लोगों के लिए जो सर्वेंट है वो बेसिकली लीडर्स होते हैं। फिलॉसफी जो टेक्निक्स अडॉप्ट करती है, इन्वॉल्व करती है, उसमें अडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो भी एजुकेशन है उसमें आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू बच्चों को एजुकेट करें, एप्लीकेबल करें कि बच्चे आराम से एजुकेशन हासिल कर सके। कोई फॉर्मल सिटिंग में एजुकेशन नहीं होती जब तक आप सोसाइटी के साथ उनको कनेक्ट नहीं करते। तो फ्रेरी के जो एजुकेशनल व्यूज़ हैं उसमें यह है कि जो कल्चरल टूर है एजुकेशन, ये किसी भी ऑपरेशन के लिए, लिबरेशन के लिए आप किस तरह से ऑपरेशन से लिबरेशन की तरफ लेकर आते हैं। एजुकेशन वो टूल है जो कि लर्नर्स को क्रिएटर बनाती है कि अपनी रियलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी रियलिटी खुद से डेवलप कर सकें, अपनी आइडेंटिटी बना सकें, अपने अपने लिए अपनी ज़िंदगी खुद डिज़ाइन कर सकें। और वही एजुकेशन है जो आपको अपनी एजुकेशन अपनी लाइफ डिज़ाइन करने के लिए दे। एजुकेशन वो नहीं है, ये कोई कमोडिटी नहीं है, ये एक चीज़ नहीं है जिसके जो कि टीचर्स स्टूडेंट्स की तरफ पास करते हैं या उनको ट्रांसफ़र करते हैं, बल्कि लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें जो नॉलेज है वो प्रेजेंट की जाती है लर्नर्स को। टीचर्स का काम ये है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ उनको उनकी एजुकेशन उनको एजुकेट करें, उनकी लर्निंग करें, उनको इस तरह से एजुकेट करें कि उनकी लाइफ जो है वो दुनिया की जितनी भी सोसाइटी की जो रियलिटीज़ हैं उनको करीब से देखने को, समझने को मिले। एजुकेशन वो फिनोमेना है जिसमें एजुकेटर एजुकेटी को एजुकेट करता है कि किस तरह से आपने एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन का तरीका बताया जाता है, चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए उनको सिखाई जाती हैं। एजुकेशन वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बताती है जिसमें आप रियलिटीज़ को क्रिटिकली देखते हैं कि क्या रियलिटीज़ हैं, क्यों इस तरह से बार बार हमें एक ही तरह से पढ़ाया जा रहा है, कोई मैथड चेंज क्यों नहीं होता, जो मेथड ऑफ एजुकेशन है वो सिचुएशन के मुताबिक हो, रियलिटीज के मुताबिक हो, कि जो लोग जिस रियलिटी को, जिस एरिया को बिलोंग कर रहे हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है, उन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हुए एजुकेशन दी जाए। और एजुकेशन प्रैक्टिस है बल्कि एक्सटेंशन है कम्युनिकेशन की। एजुकेशन को सिर्फ ये नहीं, और कम्युनिकेशन कौन सी है जो कि म्यूचुअल डायलॉग हो, जहाँ पे एक्सटेंशन इन्वॉल्व करती हो कि आप नॉलेज को किस तरह से ट्रांसप्लांट करते हैं। फ्रेरी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं एजुकेशन में, तो उनकी जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में जो काम नज़र आता है या एम्फसाइज किया है वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट पे है कि डीप पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को आप किस तरह से सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और उनका काम जो हमें ज़्यादातर नज़र आता है वो प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स पे नज़र आता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिटिकल पेडागॉजी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो एजुकेशन को प्रमोट की एजुकेशन के तरफ आती है। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आप किस तरह से आप बच्चे को क्रिटिकल थिंकर बनाएं, आप उनको क्रिटिकल पैडागॉजी के थ्रू उनको बताएं कि कोई चीज़ अगर है तो उसको आप हर डायमेंशन से देखें, हर एस्पेक्ट से देखें कि कोई चीज़ अगर है तो वो क्यों है, उसके क्या रीजंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या उसकी सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं और क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो उनको स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ उनको क्रिटिकल थिंकर बनाएं। एजुकेशन
तभी पॉसिबल है जब आप प्रोमोट करते हैं प्यार को, मोहब्बत को, लव को। और प्रेरी पेडागॉजी की इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो कहते हैं कि जो जितनी भी इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जितनी भी जहनी सलाहियत बच्चे की बढ़ती है, वो सोशल चेंज को के लिए मददगार साबित होती है कि लोग जिस तरह से सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, आप उनको इस तरह की एजुकेशन दें कि उनकी जहनी सलाहियत इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो कि वो अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अपनी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फ्रेरी प्रपोज करते हैं कि डायलॉग और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि एक्टिव लर्निंग पॉसिबल हो सके। लिबरेटिंग एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि लिबरेटिंग एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोगों के बारे में पढ़ा जाता है। लोग अगर कोई प्रॉब्लम्स में हैं, लोगों की अगर कोई किसी किस्म के जो कंडीशंस ऐसी हैं जिनको जो उनको ऑप्रेस्ड कंडीशंस हैं, जो उनके मसाइल में उनको घेरे हुए हैं, तो आप उनको किस तरह से उनसे निकालेंगे। तो एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों को उस चीज से अंडरस्टैंड करवाएं। क्रिटिकल पेडागॉजी की बात करते हैं कि क्रिटिकल पेडागॉजी एजुकेशनल अप्रोच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इससे बच्चे को जो लर्नर है उसको क्रिटिकल अवेयरनेस मिलती है कि कोई चीज कॉन्शियसनेस में है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ कोई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, लोग अंडरस्टैंड करें कि कोई भी एक्शन है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसकी जो चीज़ें हो रही हैं तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या कोई चीज़ अगर महंगाई है तो उसके पीछे क्या सोशल बैकग्राउंड है, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। अगर बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल करें, बच्चों की नॉलेज इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो किस वजह से हो रही है? इधर जो सोशल कॉजेज़ हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये सिखाती है कि बच्चे हर डायमेंशन से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और फिर क्रिटिकल पेडागॉजी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने के लिए इनेबल करती है कि सवाल करें, चैलेंज करें कि आपके कोई भी अगर डोमिनेशन है, किसी की भी डोमिनेंसी है, तो वो क्यों है और इतने अरसे से क्यों है, ये चेंज क्यों नहीं हो रही है। क्रिटिकल पेडागॉजी सेंट्रल कंसर्न रखती है कि जो पावर है वो चेंज क्यों नहीं होता, पावर कहाँ पे होना चाहिए, इशू ऑफ पावर टीचर होना चाहिए या लर्नर होना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं कि पावर किसके पास होना चाहिए, किसकी चॉइस होनी चाहिए। तो जो पॉलो का ज़्यादातर फोकस रहा है वो रहा है सोसाइटी के मुताबिक कि सोसाइटी जो है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, एजुकेशन में हम कैसी और इस तरह की कौन सी चीज़ें लेकर आ सकते हैं जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज हो सके। जिसमें प्रॉब्लम पोजिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि प्रॉब्लम पोजिंग मेथड, कल्चरल सर्कल को अंडरस्टैंड करें, कल्चर क्या कहता है हमारा। तो पॉलो का जो एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन है ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पे, बल्कि एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर में किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है। तो पॉलो फ्रेरी ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि टीचर्स को क्रिटिकल थिंकर्स होना है और क्रिटिकल थिंकर्स प्रोड्यूस करना है।